अरे पूरा वाइट आ रहा। सलामकुम सलामकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल को बड़ी खुशी हुई देख के। चलो मजीद भाई बना के अच्छा बना। भाई भाई जरा पीछे वाइट बाद में ले लो, पहले आप क्लिप ले लो। यहाँ जो है हैदराबाद उसकी क्लिप ले लीजिए। आशा जी के कोई नहीं नहीं भूल पाशा नहीं है। अरे ना हम बोलते हैं हल्लू ना। चलो ले लेगा ले लेगा सब को ले लेंगे। हां उधर वहां खाओ है ना, वहां ले लेंगे। भूख में मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब ये इधर एक एक मिनट इधर छाव है, छाव अपन डर के ले लेंगे। इधर एक छाव में एक दो आप इधर फरमा दो बात करो। अरे पाशा नदी में मिलत बैरिस्टर अशोक जी ने मजीद साहब सदर मजीद से पार्लियामेंट की हिदायत पर आज शेर हैदराबाद के तमाम मसालिक के उलमा किराम और मशाइखीन अज़ाम हैदराबाद पुलिस कमिश्नर जनाब अंजन कुमार साहब से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। साबिक वर्क बोर्ड के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के वसीम रजवी के ताल्लुक से जो बयान आए हैं उसमें तो मजम्मत का इजहार करते हुए तहरीरी तौर पर शिकायत पेश की, याददाश्त पेश की। तमाम तफसीलात से कमिश्नर पुलिस को तमाम उलमाए किराम ने वाकिफ़ कराया और सख्त से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। कमिश्नर पुलिस ने भी वादे अंदाज में तयन किया कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर और ये फायर होगा उनके खिलाफ। कानून के मुताबिक कार्रवाई करके हम उनके खिलाफ ज़बरदस्त एक्शन लेंगे। पर हमको तवक्को है कि जिस तरीके से जिस मौसी हस्तियों ने उम्र रसीदा लोग भी काफ़ी मशक्क़त के साथ इस मुकाम पे शरीक होकर अपने मुतालबात का इजहार किए उसका लिहाज रखते हुए कमिश्नर पुलिस फौरी कार्रवाई करेंगे और सबको अपने अहतमाद में देंगे। शुक्रिया। आज हैदराबाद दक्कन के उलमा व मशायख और तमाम तबक़ात के नुमाइंदा हजरात कमिश्नर पुलिस ऑफ हैदराबाद से मुलाकात करते हुए वसीम रजवी मलून की जो हरकत हुई है उसके खिलाफ एहतजाजी नोट उन्हें दिया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया और उन पर यह वाज़ेह किया गया कि कुरान मजीद हमारे ईमान की बुनियाद है, इससे हम कोई मुफाहमत नहीं कर सकते, इस बारे में हम खामोशी नहीं रह सकते। इसलिए आपसे ख्वाहिश की जाती है कि सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
इसका कुछ के खिलाफ में कोई कोर्ट में भी डाले। अब इसके बाद जो मरहल आएंगे उसके लिहाज से गौर करते हुए इकदाम किए जाएंगे। मलून के मुतालिक जो उसने एक फितना सारे हिंदुस्तान में बर्पा किया है और कुरान शरीफ की तहरीफ के उसने बात जो कही है, उस मलून के खिलाफ में आज तमाम मशायख इल्ज़ाम और उलमा इकराम ने कमिश्नर पुलिस से जो कम्प्लेन की। दरअसल वसीम रजवी खारिजी है और उसको कुरान का किसी किस्म का कोई फहम नहीं है, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस करता है, जिसके तहत में ये अगर मामला बढ़ेगा तो हिंदुस्तान का सारी आलम अरब में सारी आलम इस्लाम में इसका नाम बदनाम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि इसके पिटीशन को ही फर्स्ट स्टेज में रिजेक्ट कर दें।